हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस वीडियो लेक्चर। इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस द प्लांट टी, इट्स बोटानिकल डिस्क्रिप्शन, इट्स ओरिजिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड इट्स प्रोसेसिंग। सो टी इज अ कैफीन कंटेनिंग नॉन एल्कोहलिक बेवरेज। इट्स बोटानिकल नेम इज कैमेलिया Sinensis. It belongs to family Thiaceae and commonly it is known as tea or chai. Iski distribution aur origin ki baat ki jaye to thousands of years ago China and East Asia region jo hai wahan par ye origin hua plant. Mainly tropical and subtropical regions mein ye grow karta hai but कुछ वैराइटीज डेवलप की गई हैं हाइब्रिड मेनली, जो कि कूलर कंडीशंस जैसे कि कनाडा, यूरोप, इस तरह की जगहों पर ग्रो कर सकती है। नेचुरल जो इसका हैबिटेट है वो ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल रीजन से लेके। डिस्क्रिप्शन की बात की जाए इसका बोटानिकल डिस्क्रिप्शन, तो एवरग्रीन वुडी श्रब है। It can attain 30 to 50 feet of height and cultivated, लेकिन जो है plant natural conditions में 30 to 50 feet की height attain कर सकता है ये plant, but in cultivating conditions this plant is not allowed to grow that tall. It is cut down to plucking level, that is अराउंड 4 feet। ओके, इसको अपनी हाइट पर रखा जाता है प्लांट को कि प्लकिंग, इसके लीव्स जो है वो प्लक किए जा सके। यहाँ पर ये जो ट्री दिख रहा है ये एक्चुअल में एक टी का ट्री है, ओरिजिनल टी ट्री। इट वॉज प्रिजर्व, इट वॉज नॉट कट, एंड 3200 ईयर्स अगो, 3200 ईयर्स ओल्ड ट्री है। ओके, चाइना में ये जो है ये एक क्लोजअप है हाउ द प्लांट लुक्स लाइक, हाउ इट्स लीव्स लुक लाइक। ठीक है, तो इसके लीव्स जो है वो ऑल्टरनेट है अरेंजमेंट, एलिप्टिकल शेप है विथ टूथ्ड मार्जिन्स। यहाँ पर देखोगे जो मार्जिन्स है वो टूथ्ड है, ठीक है, एंटायर स्मूथ मार्जिन नहीं है, टूथ लाइक स्ट्रक्चर, टूथ लाइक जो इसकी मार्जिन है वो बने। प्रेजेंस ऑफ ऑयल ग्लैंड्स, लीव्स के ऊपर ऑयल ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं और उनकी वजह से इसका एक अपना स्पेसिफिक अरोमा है। ठीक है, यंग शॉर्ट शूट्स जो होती हैं, यंग एंड शॉर्ट एंड न्यू शूट्स, दे आर नोन एज फ्लशेस। ठीक है, जो बिल्कुल छोटी शूट्स होती हैं, यंग होती हैं, वो फ्लश कहलाती हैं। ठीक है, फ्लावर्स जो है वो येलो सेंटर्ड, वाइट या पिंक कलर के होते हैं, फ्रेग्रेंट होते हैं, उनमें भी ऑयल ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, सॉलिटरी एक्सिलरी इनफ्लोरेसेंस होती है। ठीक है, यूजुअली सॉलिटरी एक्सिलरी होते हैं और कुछ स्पीशीज में एक एक्सिल में 1 to 4 जो फ्लावर्स हैं, कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 फ्लावर्स जो है एक ही एक्सिल में प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, फ्रूट जो है वो एक वुडी कैप्सूल होगा विद 1 to 4 कंपार्टमेंट्स विद 1 ब्राउन सीड इन ईच कंपार्टमेंट। ओके, फ्लावर्स कब आएंगे, कब अपीयर होते हैं, जुलाई से अक्टूबर का जो मंथ है, जो टाइम पीरियड है उसमें फ्लावर्स अपीयर होते हैं। ठीक है, एंड फ्लावर अपीयर होने की 1 साल बाद जो है सीड प्रॉपरली राइप होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि फर्टिलाइजेशन हुई और उसी सीजन में सीड भी बन गया, उस सीड को बनने में, राइप होने में 1 साल लग जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं वैराइटीज की, टाइप्स की। दो टाइप के ट्री टी प्लांट्स हैं,
एक है चाइना, जो कि चाइना में प्रॉपर चाइना में ओरिजिनेट हुआ, दूसरा असम की, जो कि असम है वहाँ पर नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड म्यांमार का बॉर्डर, बर्मा जो बॉर्डर है वहाँ पर ओरिजिन। ठीक है, तो जो चाइना टी है वो स्लो ग्रोइंग प्लांट है, हार्ड वैरायटी है एंड कोल्ड कंडीशंस, कोल्ड विंटर्स जो होती है उनको वो विथस्टैंड कर सकता है, जबकि असम टी जो है वो फास्ट ग्रोइंग प्लांट है, लेस हार्ड है, ज़्यादातर वो ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल रीजन्स के लिए बना है। ठीक है, जो चाइना टी है उसकी इकोनॉमिक लाइफ अराउंड 100 ईयर्स है, यानी एक प्लांट अगर हम ग्रो करें तो वो 100 ईयर्स तक प्रॉपरली हमको जो लीव्स हैं एज ए प्रोडक्ट हम उससे ऑब्टेन कर सकते हैं। और असम टी जो है उसकी इकोनॉमिक लाइफ कम है, 40 ईयर्स के आसपास। ठीक है, जो चाइना टी है वो बुशी है, बहुत सारी मेन स्टेम्स जो है वो बहुत सारी, एक सिंगल मेन स्टेम नहीं होती, काफ़ी सारी स्टेम्स, मल्टीपल स्टेम्स होता है वो, और बुशी होता है काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, एंड 1.2 to 2.7 मीटर टॉल हो सकता है। ठीक है, जबकि असम टी का जो प्लांट है वो सिंगल स्टेम्ड होता है, मेन एक सिंगल मेन स्टेम होगी, उससे लेटरल ब्रांचेस निकलती हैं। ठीक है, और 6.1 to 18 मीटर्स तक उसकी हाइट जा सकती है, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये एक ट्री ज़्यादा है, जबकि चाइना टी जो है वो श्रब है। ठीक है, स्मॉलर हाइट है, ज़्यादा टॉल नहीं होता, वो श्रब की कैटेगरी में आ जाता है, असम टी प्लांट जो है वो ट्री की कैटेगरी में आ जाता है। ठीक है, तो चाइना टी जो है वो उसके जो लीव्स हैं नैरो होंगे, शॉर्ट होंगे, डल फ्लैट लीव्स होंगे। ठीक है, पॉइंटिंग अपवर्ड्स, ठीक है, जो लीफ होगा वो ऊपर की तरफ पॉइंटेड होगा, जबकि असम टी के लीव्स लार्ज होंगे एंड दे पॉइंट टुवर्ड्स डाउनवर्ड, नीचे की तरफ पॉइंटेड होंगे। चाइना टी जो है उसमें यील्ड कम है, ठीक है, जबकि असम टी में यील्ड ज़्यादा है कंपेयर टू चाइना टी में सिंगल फ्लावर होता है एक एक्सेल में, जबकि असम टी में 4 to 5 फ्लावर्स होते हैं एक एक्सेल में। ठीक है, अब बात करते हैं कल्टीवेशन की। इट इज प्रोपेगेटेड फ्रॉम सीड और बाय कटिंग, या तो कटिंग के थ्रू या सीड्स के थ्रू जो है इसको प्रोपेगेट किया जाता है, ग्रो किया जाता है, और 100 to 150 सेंटीमीटर्स ऑफ रेनफॉल इसको चाहिए पर एनम। ठीक है, हर ईयर फॉर प्रॉपर ग्रोथ। वेल ड्रेन्ड एसिडिक सॉइल चाहिए, पीएच 4 to 6 होनी चाहिए। ठीक है, एंड इट शुड बी रिच इन ह्यूमस, एंड सीड्स आर सोन इन नर्सरीज, और जब वो सीडलिंग्स बन जाते हैं 1 फीट तक का इनका हाइट हो जाती है, तब उनको ट्रांसफर किया जाता है मेन प्लांटेशन लैब। ठीक है, इसकी कंडीशंस, ग्रोइंग कंडीशंस के लिए जो इसको चाहिए वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। टी जो प्लांट है उसको ग्रो करना, उसकी उसको सक्सेसफुली ग्रो करना। यहाँ पर देख सकते हो, अगर आप लोगों को ध्यान हो तो इंडिया में काफ़ी जगह जो है हिली एरियाज, खासकर जो जाते हैं लोग घूमने जाते हैं, तो वहाँ पर एक बहुत कॉमन साइट होती है, और वो है टी प्लांटेशंस। असम है, दार्जिलिंग है, साउथ में नीलगिरीज है, इस तरफ जो है टी जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रो की जाती है, हिल्स पर ग्रो की जाती है, और ऐसे ही हिमाचल प्रदेश है वहाँ पर भी टी जो है ग्रो की जाती है हिल्स में। तो हिल्स पे इसको ग्रो करने का मेन पर्पस यही है कि हिल्स में, एक तो वहाँ पर हिली एरिया जो होता है वहाँ पर एक तो जो रेनफॉल है वो सफिशेंट होगी, और टेम्परेचर कंडीशंस जो है वो बेस्ट होती है इसके ग्रो करने के लिए, और जो वाटर है वो स्टैंड नहीं करता, हिल है, स्लोपी एरिया है, इसलिए वाटर वहाँ पर स्टैंड नहीं करेगा, प्रॉपर ड्रेनेज
हो जाती है इजीली, और वो प्रॉपर ड्रेनेज बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये एक ऐसा नहीं है, ये एक प्लांट ही ग्रो करता है, मतलब हर साल एक एक प्लांट ग्रो किया जाता है, ये एक ही प्लांट होता है जो कई सालों तक रहता है, तो इसको प्रॉपर मेंटेनेंस की ज़रूरत है। अगर प्रॉपरली वाटर ड्रेन नहीं होगा तो ये इजीली खराब हो सकता है। ठीक है, तो हिली एरियाज में ऐसे हिल्स को पहले तो डिफॉरेस्टेशन की जाती है, प्लांट्स जो वहाँ के नेचुरल हैबिटेट हैं, ऑल्दो इट इज़ अ एक तरह से हार्मफुल प्रैक्टिस है कि जो नेचुरल हिल्स हैं उसकी नेचुरल वेजिटेशन है उसको कट किया जा रहा है, तो वो कट करके फिर यहाँ पर टी प्लांट्स जो हैं वो लगाए जाते हैं, जिससे उनको प्रॉपर कंडीशन मिलती है। तो इस वजह से, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा हिल्स को उनकी जो नेचुरल वेजिटेशन है उसको डिस्ट्रॉय किया गया, सो दैट टी प्लांटेशंस कैन बी मेड, तो इस वजह से गवर्नमेंट ने आगे चलकर डिसाइड किया कि एक तरह से रेगुलेटेड तरीके से यहाँ पर प्लांटेशन होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कम्प्लीटली जो नेचुरल वेजिटेशन है वो डिस्ट्रॉय हो जाए। ठीक है, तो इस चीज़ को गवर्नमेंट ने रियलाइज़ किया बाद में, और इस चीज़ के लिए फिर आगे चलकर रूल्स भी बनाए ताकि वो जो एरिया है उसका नेचुरल वेजिटेशन है वो डिस्ट्रॉय ना हो कम्प्लीटली, इस तरह से ठीक है डैमेज ना हो, डैमेज कंट्रोल किया जा सके। अब बात करते हैं कि जो लीफ है जो कलेक्ट किया जाता है वो कैसा होता है, किस तरह का होता है। तो एक होता है गोल्डन टिप, वो होता है टर्मिनल बड, जो बड है बिल्कुल एंडिंग जो होता है वो गोल्डन टिप्स कहा जाता है उनको, उनमें 28% टर्मिनल होता है। ठीक है, उसके बाद स्मॉलेस्ट लीफ आता है, एक ट्विग की बात हो रही है यहाँ पर, जो एक ट्विग होता है उसमें क्या होते हैं लीव्स होते हैं, बड होता है, ठीक है, एक छोटी सी ब्रांच होती है जिसको ट्विग कहा जाता है, और उसको प्लग किया जाता है। ठीक है, तो वो उसके बारे में बताया है कि कौन सा कितने लीफ उसमें हो सकते हैं और कौन सा लीफ किस तरह का क्वालिटी होती है उसकी। तो गोल्डन टिप्स जो होती हैं कलेक्ट, तो उनमें 28% टैनिन प्रेजेंट होगा, वो बिल्कुल टर्मिनल बड्स होते हैं। ऑरेंज पेकाओ करके जो ग्रेड है वो स्मॉलेस्ट लीफ के लिए यूज़ होता है, बड के बाद जो लीफ होता है यंगेस्ट वो होगा, उसमें भी ऑलमोस्ट 28% टैनिन प्रेजेंट है। फिर टेकाओ है वो है सेकंड लीफ कहा जा सकता है, नेक्स्ट टू स्मॉलेस्ट लीफ 21% उसमें टैनिन प्रेजेंट होगा, फिर टेकाओ से स्ट्रॉन्ग होगा वो थर्ड लीफ होगा उसमें 18% टैनिन प्रेजेंट होगा, और सोशोंग वो फोर्थ लीफ होगा 14% टैनिन कंटेंट होगा, और कुछ में फिफ्थ लीफ जो है एक ट्विग में एक जो ब्रांच है उसका फिफ्थ लीफ जो है वो भी कलेक्ट किया जाता है, और वो फिफ्थ जो लीफ होता है वो लार्जेस्ट होता है और उसमें टैनिन कंटेंट कम होता है, तो ऑलमोस्ट 12% टू 10% का उसमें टैनिन कंटेंट होता है, और कॉम्बो जो है वो कहलाता है। अब बात आती है प्रोसेसिंग की, कि कैसे इसको एक तरह से कैसे इसको ऑप्टेन किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्टेन करने के लिए इसकी बात करेंगे, इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं जिससे ये प्रोसेस किया जाता है, उससे पहले इसकी प्लकिंग होती है। ठीक है, अब प्लकिंग करके जो हमने बताया जैसे कि किस तरह से अलग अलग लीव्स जो हैं टर्मिनल बड है उसको प्लक किया गया, और ये फर्स्ट लीफ है उसको प्लग किया गया, फिर सेकेंड लीफ प्लग किया गया, थर्ड लीफ, फोर्थ लीफ, इस तरह से फाइव लीफ्स जब जो है एक ब्रांच के वो प्लग किए जा सकते हैं। ठीक है, मशीन्स या हैंड्स की हेल्प से वो प्लग किए जाते हैं। अब नेक्स्ट इसके बाद प्रोसेसिंग की बात जो आ रही है, वहाँ पर किस तरह से स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं। सबसे पहला स्टेप है विदरिंग। विदरिंग में क्या होता है, जो प्लग लीफ है उसको हीट किया जाता है या सन ड्राई किया जाता है,
स्प्रेडिंग ऑन विदरिंग रैक्स और 14 to 18 आवर्स टू लूज एक्सेसिव मॉइस्चर। जो टी लीफ है उसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज़्यादा रहता है और बहुत टाइम तक रहता है, और उसको ड्राई करना ज़रूरी होता है बिकॉज उसमें जो सेलुलोज है और जो कंटेंट है, इस तरह के स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क है, वो अगर इंटेक्ट रहा तो वो एक अच्छा लीफ, अच्छा टी जो है वो बनाने में हेल्प नहीं करता। ठीक है, तो अच्छे से उसका मॉइस्चर कंटेंट जो है वो रिड्यूस होना चाहिए। तो प्लग्ड लीव्स को रैक्स में डाला जाता है और 14 से 18 आवर्स तक उसको हीट प्रोवाइड की जाती है, या तो मशीन के थ्रू या सन के थ्रू, ठीक है, सन में ड्राई किया जाता है। और एक्सेसिव मॉइस्चर जो है काफ़ी हद तक में वहाँ पर रिड्यूस हो जाता है। अब बात आती है, और रिड्यूस होने से वो सॉफ्ट एंड प्लेबल कंडीशन में आ जाता है जो लीव। सेकेंड स्टेप होता है रोलिंग। उसमें क्या होगा, जो विदर्ड लीव्स हैं, जो सन ड्राइड या हीटेड लीव्स हैं, जिनका मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज़्यादा लूज हो चुका है और अब वो सॉफ्ट या प्लायबल हैं, तो उनको रोल या मशीन्स की हेल्प से कर्ल किया जाता है। ठीक है, तो ये इस प्रोसेस के होने से जो लीव्स आपने देखे होंगे ऐसे कर्ल सी होती है, ट्विस्टेड होती हैं, तो वो शेप इस वाले मेथड से आती है। ठीक है, फ्लैट सरफेस होता है उसके, उसको फिर हम उस पर लीव्स डाल देते हैं और मशीन के थ्रू उसको या हैंड्स के थ्रू उसको रोल करते हैं या एक तरह से ट्विस्ट करते हैं, ब्रेक करते हैं, जिसकी वजह से वो ट्विस्टेड या कर्ल्ड शेप ले लेता है। याद रहे विदर्ड लीव की बात कर रही हूँ। ठीक है, रोलिंग करने से या ट्विस्ट करने से लीव को वो सेल्स जो हैं उसकी ब्रेक हो जाते हैं एंड इट एक्सपोजेस द जूसेस टू एयर फॉर फर्मेंटेशन। तो जब जैसे जैसे रोलिंग हो रही है वो लीफ के सेल्स जो हैं वो ब्रेक होते हैं और वो उसके अंदर जो कंटेंट है उसका सैप जो है वो एक्सपोज हो जाता है एयर से और उसमें फर्मेंटेशन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, थर्ड स्टेप है वो प्रॉपर फर्मेंटेशन है। उसमें क्या होगा, जो टैनिन जो प्रेजेंट होता है लीफ के अंदर, लीफ सेल्स में, वो पार्शली ऑक्सीडाइज किया जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से लीफ यहाँ पर अब एक तो पार्शियल ऑक्सीडेशन हो रहा है टैनिन का, दूसरा उसका कलर जो है वो चेंज हो जाता है, डार्क ब्राउनिश कलर जो है वो ऑब्टेन करता है। इस प्रोसेस को 3 से 4 घंटे लगते हैं इंक्लूडिंग द रोलिंग टाइम। ठीक है, रोल करते करते धीरे धीरे जो है वो ब्रेक होता है और फर्मेंटेशन स्टार्ट हो जाती है, एंड प्रॉपर फर्मेंटेशन में कम से कम 3 घंटे लगते हैं और आधे से 1 घंटा रोलिंग का होता है। तो इस तरह से ये टाइम इस 2 स्टेप्स में लगता है। अब शॉर्ट फर्म, दो फर्मेंटेशन दो टाइप की है, शॉर्ट फर्मेंटेशन एंड लॉन्ग फर्मेंटेशन। शॉर्टर फर्मेंटेशन होगी, कम फर्मेंट होगा तो मोर पंजेंट होगा जो टी हो, और जो अगर लॉन्गर फर्मेंटेशन होगी, ज़्यादा टाइम के लिए फर्मेंट करेंगे तो जो लिकर है, जो टी बनेगा वो सॉफ्ट होगा। ठीक है, एंड सॉफ्ट मतलब बहुत ज़्यादा टेस्ट में, फ्लेवर में बहुत ज़्यादा हैवी फ्लेवर नहीं होगा उसका, लेकिन डीप कलर होगा। ठीक है, अब बात आती है नेक्स्ट स्टेप की, वो है ड्राइंग और फायरिंग। ड्राइंग एंड फायरिंग में क्या होगा, जो ऑक्सीडेशन स्टार्ट हुई थी, फर्मेंटेशन प्रोसेस जो स्टार्ट हुआ था, अब उसको स्टॉप करना है। तो उसको स्टॉप करने के लिए ओवंस में यूजली टी लीव्स को रखा जाता है। ठीक है, और तब उसमें हॉट एयर, हॉट ड्राई एयर जो है वो पास की जाती है उनके थ्रू, ठीक है, चैम्बर्स के थ्रू, और इस वजह से एक तो उसकी ऑक्सीडेशन है वो स्टॉप हो जाती है, दूसरा 3 to 5% मॉइस्चर बच जाता है। ठीक है, तो जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट होता है टी,
जो हम यूज़ करते हैं उसमें 3 से 5% ही मॉइस्चर प्रेजेंट होता है। इसके बाद सॉर्टिंग होती है। सॉर्टिंग में क्या होता है कि अब देखो इतने सारा प्रोसेस हुआ है तो क्या होगा, कुछ पीसेस ब्रेक होंगे तो अलग अलग साइज के जो हैं पीसेस बनेंगे। जब हम टी को कर लीव्स को जब हम लास्ट में कलेक्ट करेंगे तो अलग अलग साइज के आएंगे क्योंकि तो बीच में ब्रेकेज भी हुई है, ठीक है। तो वो सॉर्टिंग होती है। एक तरह के साइज के लीव जो है वो अलग कर दिए जाते हैं। सीड्स जो होते हैं जैसे छलनी जिसको कहते हैं उसके थ्रू उनको पास किया जाता है। सबसे ऊपर सबसे बड़े पीसेस रहेंगे, फिर छोटे छोटे करके सबसे लास्ट में बिल्कुल छोटे वाले जो पीसेस होते हैं ऑलमोस्ट डस्ट जैसे वो कलेक्ट होते हैं, ठीक है। अब बात आती है टी कितने टाइप की हो सकती है, कैसी होती है। एक होती है ब्लैक टी सबसे पहले, फिर वो क्या है लीव्स उसके जो है। अच्छा पहले एक चीज का ध्यान रखो, ये जो टाइप ऑफ टीज हैं ये कैसे बनी है, इट इज डिफाइंड या इट इज दे आर कैटेगराइज बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ प्रोसेसिंग यूज, ठीक है। कौन से टाइप की प्रोसेसिंग यूज की है, क्या स्टेप्स फॉलो किए हुए इसको बनाने के लिए प्रिपेयर करने के लिए, वो डिसाइड करते हैं कि वो ब्लैक टी है, ग्रीन टी है या वाइट टी है, ठीक है। तो ब्लैक टी क्या होगा, लीव्स जो हैं वो क्रश किए जाएंगे, पाइल किए जाएंगे एंड दे आर स्वेटेड। स्वेटेड में वही है रोलिंग एंड फर्मेंटेशन, ठीक है। इसके इससे क्या होगा, इसकी कुछ पॉलीफिनोल्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा हेल्दी जो कंटेंट होता है वो ब्लैक टी नहीं होती, बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं होती, कम हेल्दी हो जाती है जिससे कुछ पॉलीफिनोल्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ठीक है। लॉन्ग फर्मेंटेशन होती है उसमें, ठीक है, काफ़ी रोलिंग होती है जिससे कि उसके कंपाउंड्स जो हैं कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। फिर आता है ग्रीन टी। ग्रीन टी में क्या होगा, ब्रीफली हीटेड जो फर्स्ट स्टेप था विदरिंग का उसमें हीटिंग जो है कम होती है, कुछ में तो वो स्टीमिंग की जाती है, ठीक है। चाइना में यूजुअली जब ग्रीन टी प्रिपेयर करते हैं तो स्टीम के थ्रू प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। फिर उनको रोल किया जाता है एंड देन दे आर ड्राई, ठीक है। ये 3 स्टेप फॉलो होते हैं, प्रॉपर उसमें फर्मेंटेशन नहीं फॉलो की जाती, ठीक है। दिस कीव्स इट्स हेल्दी कंपाउंड्स इनटेक, जिसकी वजह से उसके जो हेल्दी कंपाउंड्स हैं जो बेनिफिशियल हैं हमारी हेल्थ के लिए वो इंटेक्ट रहते हैं, डिस्ट्रॉय नहीं होते, जिसकी वजह से वो ब्लैक टी से ज़्यादा हेल्दी, ठीक है। दूसरा ग्रीन टी का क्या फ़ायदा है, इट इज़ यूजुअली मिक्स्ड। वैसे सिर्फ ग्रीन टी लीव्स जो हैं वो ड्रिंक किए जा सकते हैं, उनसे सिर्फ टी प्रिपेयर की जा सकती है, लेकिन ज़्यादातर जो चलन है वो क्या है, ग्रीन टी लीव्स जो होते हैं उनको दूसरे प्लांट्स के साथ मिक्स किया जाता है, ब्लेंड बनाया जाता है और फिर उसको ड्रिंक किया जाता है। इससे एक तो उसका फ्लेवर एनहेंस हो जाता है और दूसरा फ्रेग्रेंस जो है वो उसमें आ जाती है, और तीसरा न्यूट्रिशियस कंटेंट जो है, हेल्दी कंटेंट जो है वो इंक्रीज हो जाता है। जैसे ग्रीन टी लीव्स हैं उनके साथ हम मिक्स कर सकते हैं कुछ फ्लावर्स, ड्राइड फ्लावर्स, खासकर यहाँ पर ये ध्यान रखें ड्राइड जो चीज़ें हैं वो ऐड की जाती हैं, तो ड्राइड फ्लावर्स है, टर्मरिक है, लेमन, ड्राइड लेमन पीसेस हैं, ड्राइड मैंगो पीसेस, ड्राइड एप्पल पीसेस, एप्पल स्लाइसेस। तो इस तरह से अलग जो कंपोनेंट्स हैं वो इसमें मिक्स किए जा सकते हैं, ब्लेंड बनाया जा सकता है और फिर इसको ड्रिंक किया जा सकता है। ब्लैक टी इस तरह से नहीं प्रिपेयर की जाती है, वो सिंपल टी लीव्स जो होते हैं ज़्यादातर उससे प्रिपेयर की जाती है। फिर बात आती है वाइट टी की। व्हाइट टी कैसे बनेगी, इट इज़ मेड ऑफ डेलिकेट बड्स एंड यंगर लीव्स, जो टिप पे बिल्कुल जो बड्स होते हैं, ओपन्ड लीव नहीं होते, बड्स होते हैं, उसको यूज करके जो है टी बनती है वो वाइट टी होती है। सिल्वरिश कलर के होते हैं वो बड्स जो होते हैं जो वाइट टी प्रिपेयर्ड होती है, क्यों, क्योंकि
जो यंग बड्स होते हैं वो हेयर्स से कवर होते हैं, बाकी जो लीफ है पूरे टी प्लांट में, बाकी जो लीव्स हैं या स्टेम है वो हेयर ही नहीं होते, लेकिन जो यंग बड्स होते हैं वो हेयर ही होते हैं, और वो हेयर्स की वजह से सिल्वरिश जो है उसका कलर दिखता है, ठीक है, जिसकी वजह से उसको नाम दिया जाता है वाइट टी, ठीक है। और कैसे प्रिपेयर किया जाता है, कुछ टाइम के लिए नेचुरल सनलाइट में रखा जाएगा, या ध्यान रहे इसको सनलाइट में नेचुरल प्रोसेस यूज किया जा रहा है, यहाँ पर सनलाइट यूज की जा रही है ड्राई करने के लिए, मशीन से ड्राई नहीं किया जाता इनको, ठीक है। और थोड़े से टाइम के लिए एक्सपोज करते हैं सनलाइट से, और लाइट ऑक्सीडेशन जो है वो होती है, यानी बहुत ज़्यादा ऑक्सीडाइज नहीं करते, थोड़ी सी ऑक्सीडेशन होती है इसमें, और इसकी वजह से इसका कैरेक्टरिस्टिक फ्लेवर जो है वो मेंटेन रहता है, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग नहीं होती लाइट टी में, ब्लैक टी में सबसे ज़्यादा प्रोसेसिंग होगी, फिर ग्रीन टी है उसमें थोड़ी कम प्रोसेसिंग होगी, एंड वाइट टी में प्रोसेसिंग सबसे कम होगी। फिर है ऊलोंग, ऊलोंग जो है वो ताइवान की स्पेशलिटी है, वो वहाँ पर ही प्रोसेस की जाती है, ठीक है, वहाँ पर ये स्टिक्स फॉलो किए जाते हैं, पार्शली फर्मेंटेशन होती है वहाँ पर, और ये एक इंटरमीडिएट है बिटवीन ब्लैक एंड ग्रीन टी, तो जो प्रोसेसिंग हो रही है ब्लैक और ग्रीन टी के बीच के जो स्टेप्स हैं वो यहाँ पर फॉलो होते हैं, ठीक है। और एक स्पेशल वैरायटी जो है ताइवान में मिलती है वो प्रोसेस करके फिर वो उलोंग जो टी है वो बनाई जाती है। तो यहाँ पर देखा आपने कि किस तरह से प्रोसेसिंग से टी चेंज हो सकती है, ठीक है, टाइप ऑफ प्रोसेसिंग डिसाइड कर सकती है कि टी जो है वो कौन सी तरह की है। यहाँ पर देख सकते हो सबसे पहले ब्लैक टी है, ठीक है, इसके पीसेस भी स्मॉल होते हैं, ज़्यादा ब्रेक होता है, प्रोसेसिंग इसमें ज़्यादा होती है, उलोंग है इसमें थोड़ी कम प्रोसेसिंग होगी, येलो टी है इसमें थोड़ी सी और एक तरह से कम प्रोसेसिंग होती है, उसके बाद ग्रीन टी है इसमें और भी कम प्रोसेसिंग होती है, और ये है वाइट टी, दिख रहा है ना यहाँ पे। अब यहाँ देखो, यहाँ पर जो टी है इनमें कहीं हेयर्स नहीं है, यहाँ पर जो ये स्ट्रक्चर्स हैं ये यंग बड है, लीफ जो है प्रॉपर ओपन हुआ नहीं है, बड हैं ये सारे के सारे, और ये सब हेयर से कवर्ड हैं, जिससे सिल्वरिश ग्रेविश फेस का कलर आता है इन बड्स का, इस टी का, इसकी वजह से इसको वाइट टी कहा जाता है। न्यूट्रिशियस कंटेंट की बात की जाए तो वाइट टी में ऐसा कुछ खास नहीं है, इतना ही है जितना ग्रीन टी में होता है, इट्स जस्ट दैट कि ये बहुत यंग बड्स, जो भी कुछ यंग बड्स होते हैं उनसे बनाई जाती है, डिफरेंस इसमें मेन यही होता है, ठीक है। तो ये था टी के बारे में कि टी प्लांट है क्या, उसका बोटानिकल डिस्क्रिप्शन, वो कहाँ पर मिलता है, कहाँ ओरिजिनेट हुआ, ठीक है, और किस तरह से उसको ग्रो किया जाता है और किस तरह से उसको प्रोसेस किया जाता है, ठीक है। प्रोसेसिंग क्या होता है, एक स्टेप वाइज एक तरह से मेथड है, जिससे जो हमारे पास रॉ मटेरियल है उसको कंज्यूमेबल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा प्रोसेसिंग होगी उतना ज़्यादा वो चेंज होगा प्रोडक्ट, तो सबसे ज़्यादा प्रोसेसिंग ब्लैक टी में हो रही है, तो सबसे ज़्यादा चेंजेस जो है वो ब्लैक टी में आएंगे, तो उसका हेल्दी कंटेंट जो है वो भी थोड़ा कम होगा। जिसमें प्रोसेसिंग सबसे कम होती है वो है जैसे ग्रीन टी, उसमें ग्रीन टी एंड वाइट टी, तो उनमें न्यूट्रिशियस कंटेंट जो है वो ज्यादा है, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट टी, हाउ इट इज प्रिपेयर्ड। साथ में एक पॉइंट और बताना चाहूंगी, जो दार्जिलिंग टी है इंडिया की, जो दार्जिलिंग टी मेरी दार्जिलिंग में ग्रो की जाती है, वो स्पेसिफिक वैरायटी है, वो पूरे वर्ल्ड में रिचेस्ट फ्लेवर प्रोसेस करती है। पूरे वर्ल्ड में जो टी ग्रो की जाती है, ना ही चाइना, ना ही यूरोप, ना ही अमेरिका, ना कनाडा, कहीं पर भी जहाँ टी ग्रो की जाती है
वहाँ पर उनका जो फ्लेवर है वो दार्जिलिंग की टी से बहुत कम है। बहुत एक तरह से रिच फ्लेवर वाली टी जो है वो है दार्जिलिंग टी, ठीक है। और ऐसे ही समय से इंडिया में अलग अलग जगह टी को ग्रो किया जा रहा है। असम में नीलगिरीज हैं और नॉर्थ में हिमाचल है, इन जगहों पर टी को ग्रो किया जाता है इंडिया में, ठीक है। दिस वॉज अबाउट टी। अगर कोई इसमें ना समझ में आए इसका तो पूछ सकते हो आप व्हाट्सएप पर या गूगल क्लासरूम में, ठीक है। ओके देन, टेक केयर, हैव अ गुड डे।